मुंबई साइबर पुलिस के हत्थे चढ़े ये चार और राजस्थान के भरतपुर जिले के निवासी हैं। भरतपुर के भी दूर दराज इलाकों के गांव से इनका ताल्लुक है, लेकिन ठगी का टैलेंट ऐसा कि बड़े बड़े शहरों के पढ़े लिखे व्यक्ति भी इनके झांसे में आसानी से आ जाते हैं। अपने इसी हुनर की बदौलत इन्होंने देश भर में तहलका मचाया हुआ है। ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कई राज्यों के साइबर ब्रांच और आईटी एक्सपर्ट्स को परेशान करके रखा हुआ है। इन तक पहुंचने के लिए मुंबई पुलिस को भी ईडी चोटी का जोर लगाना पड़ा। ऑनलाइन मार्केट ऐप ओएलएक्स के जरिए ये लोग साइबर फ्रॉड को अंजाम देते थे। गैंग में काम करने का तरीका किसी कॉरपोरेट से कम नहीं था। लोगों को ठगने के लिए इन्हें ट्रेनिंग सेंटर खोलकर ट्रेनिंग दी जाती थी। गैंग के सदस्य कुल चार ग्रुप में बटे हुए हैं। पहला ग्रुप ओएलएक्स वेबसाइट पर अपने शिकार की तलाश करता है। ये ग्रुप ओएलएक्स पर ऐसे लोगों की पहचान करता है जो अपने सामानों को बेचने के लिए नए नए ओएलएक्स पर जुड़े होते हैं। उनकी पूरी जानकारी निकाल कर ये ग्रुप में दूसरे ग्रुप को देता है। जानकारी मिलने के बाद दूसरा ग्रुप शिकार से संपर्क साधता है। इस ग्रुप के सदस्य लोगों से बातचीत करते हैं और जाहिर करते हैं कि उन्हें वो सामान खरीदने में दिलचस्पी है। सामान बेचने वाला चिकरी चुपड़ी बातों में आकर उसको अपने जाल में फंसाते हैं, एडवांस के तौर पर कुछ पैसे भी दे देते हैं, और जब कोई शख्स तैयार हो जाता है तो वो एक QR कोड भेजते हैं और सामान बेचने वाले शख्स को बोलते हैं कि आप इसे अपने UPI अकाउंट से स्कैन करिए, एडवांस का अमाउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन वो शख्स स्कैन करता है तो खुद उसके अकाउंट के पैसे कट जाते हैं। तीसरा ग्रुप देश भर के अलग अलग राज्यों में फैला रहता है। इस ग्रुप के सदस्य जिस समय अकाउंट में पैसे आते हैं तुरंत ATM से पैसे निकाल लेते हैं। अलग अलग राज्य और शहरों से पैसे निकालने पर पुलिस चकमा खाती है कि क्राइम किस जगह हुआ है। वहीं चौथा ग्रुप वर्क करता है गांव के भोले भाले लोगों के अकाउंट खोलने के नाम पर और उनके ATM कार्ड को लेकर ऑनलाइन बैंकिंग उनके नाम पर करता है ताकि पकड़े जाने पर उनका नाम सामने आए। जांच में पता चला है कि 19 स्टेट में इस ग्रोह ने फ्रॉड किया है। 300 से ज़्यादा शिकायतें इनके खिलाफ देश भर में दर्ज की गई हैं। फ्रॉड के पैसे का इस्तेमाल बंगले बनाने, प्रॉपर्टीज खरीदने में इस्तेमाल किया जाता है। शाम को 6 से 7 बजे ये गिरोह एक्टिव होता है और तड़के सुबह सुबह पूरे फ्रॉड को अंजाम दे दिया जाता है। इसकी धोखाधड़ी का पता तब चला जब एक पीड़ित ने साइबर पुलिस से संपर्क कर इसकी जानकारी दी। उसकी ओर से दावा किया गया कि उसने 17 लाख रुपए गंवा दिए हैं। पीड़ित ने पिछले साल अगस्त में शिकायत दर्ज कराई थी। साइबर क्राइम ब्रांच के मुताबिक राजस्थान के भरतपुर में इनका मुख्य अड्डा है। इस गांव के कई लोग मिलकर इस पूरे गैंग को चलाते हैं। जांच में ये भी पता चला है कि गैंग के सदस्य सेक्सटॉर्शन का भी काम करते हैं। पुलिस अभी इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में है। उनका करीबन 53 लाख रुपीज है जो एप्लीकेशन से, वो सब मिला के 60 के आसपास जाएगा जो हमारे रिकॉर्ड पे मुंबई पे है। लेकिन 270 जो पूरे इंडिया की कंप्लेंट है उसका अभी हम इंफॉर्मेशन लेना चालू है। तेलंगाना के भी 500 के आसपास में केसेस है, उसका भी इंफॉर्मेशन लेना चालू है। एवरीडे डिस्प्यूट करते हुए अभी उनका बाकी डिटेल्स हमको मिला है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कैसे करते थे, कितना हुआ, लेकिन उसका एविडेंस का एनालिसिस चालू है। इनके गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल एनालिसिस होने के बाद में हमारे यहाँ से 3 टीम रवाना हुई थी, जो वहाँ के जो भरतपुर रेंज के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है उनके साथ में उन्होंने अच्छी तरह से हमको सपोर्ट किया और उन्होंने वहाँ पे लोकल हमको बड़े पैमाने पे मनुष्य बल और व्हीकल लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। उसके बाद में तीनों टीम ने, ये जो चारों अलग अलग काम करने वाली टीम, इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था और उनको उनके एरिया से, जैसे एक हू चौराहा करके एरिया है वहाँ से ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। एक आरोपी को जो है वो जयपुर में प्रताप नगर करके एरिया है वहाँ से अरेस्ट किया है और एक जो अक्यूज है उसको उत्तर प्रदेश में मथुरा डिस्ट्रिक्ट के जो गाँव है मुदसेरस गांव है वहां से अरेस्ट किया है। अगर हम
हर एक स्टेट का देखे तो इसमें जो पोर्टल पे हमारे यहाँ पे जो कंप्लेंट का अभी ये है उसमें महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश मतलब सारे राष्ट्र राज्य हैं उसमें महाराष्ट्र के 14 है, आंध्र प्रदेश के है 3, बिहार के 3 है, चंडीगढ़ के 3 है, दिल्ली के 26 है, गुजरात के 25 है, हरियाणा के 22 है, झारखंड के, कर्नाटक के 8 है, ऐसे बहुत सारे राज्य के अलग अलग कंप्लेंट है, करीबन 2 से लेके 69 तक, मतलब 2 फिगर्स में कंप्लेंट्स है, टोटल मिला के 270 ऐसी कंप्लेंट है, टोटल 19 स्टेट्स में ये गैंग ने क्राइम किए हैं, 19 में लोगों को पैसा देने के नाम पे पैसा लेने का जो स्किल है उससे वो लोगों से ज़्यादा पैसे निकाल लेते, जैसे ही खींचने वाला टीम ने पैसे निकाल लिए कि तुरंत 1-2 घंटे में उनका पैसे निकालने वाला अलग टीम था। ये पैसे निकालने वाला टीम नज़दीक की सिटी में जो अलग अलग एटीएम है उसके नज़दीक में रहता था और जैसे ही पैसे आ गए तो वो उनके एटीएम कार्ड का यूज़ करके पैसे निकालते थे। उसके बाद में जो चौथा टीम है वो जो बैंक के अकाउंट नंबर अकाउंट एंड मोबाइल नंबर ये अलग अलग लोगों के नाम से तैयार करके ये लोगों को प्रोवाइड करते थे डिफरेंट कीमत के लिए, जैसे जिस अकाउंट का जैसा नेचर है उसके हिसाब से वो अकाउंट प्रोवाइड करते थे और बाद में जैसे फ्रॉड होने के बाद में ये सब पैसे उनका बांट लेते थे। तो इस टाइप से ये मोडस ऑपरेंडी है, इसमें अलग मोबाइल नंबर डिफरेंट सिम कार्ड्स है, मोबाइल नंबर मोबाइल डिवाइसेस अलग यूज़ किए जाते हैं, अलग लोकेशंस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फ्रॉड करने वाली ये जो निकालने वाली यूपी में कुछ जगह पे जाएगी तो खींचने वाली जो है भरतपुर में बैठेगी, पैसे निकालने वाले रहेगी तो जयपुर में बैठेगी, जैसे ये लोगों को एक जगह पे पकड़ा ना जाए इसके लिए भी ये टीम बहुत शातिर तरीके से काम करती थी। तो इनको मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन करके पकड़ा है, इनको 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली है और बाकी की जो तपास है ये जो इन्वेस्टिगेशन ये जारी है। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने क्राइम ब्रांच के अंडर में साइबर क्राइम विंग ने पिछले कुछ महीनों से एक ऑपरेशन कर रही थी। इस ऑपरेशन में जो OLX शॉपिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर में जो बड़े पैमाने पे फ्रॉड हो रहे थे उसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस जारी था। इसमें मुंबई पुलिस को अच्छी तरह से सफलता मिली है। इसमें OLX पे फ्रॉड करने वाले गैंग का पर्दाफाश मुंबई पुलिस ने किया है। इसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश यहाँ पे पिछले 5 दिन में स्पेशल ऑपरेशन करके टोटल 4 जो गुनहगार हैं उनको अरेस्ट किया है। ये सारे बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व है। मुंबई के टोटल 11 FIR है जिसमें इनका रोल है। उसके बाद में और 14 केसेस है जिसमें इनका रोल दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के। उसके अलावा महाराष्ट्र छोड़ के बाकी राज्यों के टोटल 270 केसेस है जिसमें इनका रोल दिखाई दे रहा है और तेलंगाना पुलिस के करीबन 500 के आसपास में केसेस है जिसमें इनका रोल दिखाई दे रहा है। ये लोगों को जब अरेस्ट किया तब उनके पास से एक एक्यूज के पास से 2 लाख रुपए, 9 अलग अलग डिवाइसेस मोबाइल डिवाइसेस, 32 डिफरेंट बैंक्स के डेबिट और क्रेडिट कार्ड और कुछ
सिम कार्ड इनके पास से हासिल किए गए हैं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये लोगों ने करीबन 835 सिम कार्ड का यूज़ ये गैंग ने किया है, जो अलग अलग सिम कार्ड इनके पास से हासिल किए गए हैं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये लोगों ने करीबन 835 सिम कार्ड का यूज़ ये गैंग ने किया है, जो अलग अलग केसेस में उसका यूज़ हुआ है। उसके बाद में अभी तक इन्वेस्टिगेशन में 38 मोबाइल डिवाइसेस इन्होंने यूज़ किया है उसका पता चला है। इनका काम करने का एक मोडस ऑपरेंडी था, ये टोटल 4 टीम थी उनकी ये गैंग की। इसमें पहली टीम जो थी वो OLX पे जो विक्टिम है या फिर जो बेचना चाहते खरीदना चाहते ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते थे, उनसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करते थे, इस टीम को पार्टी बनाने वाला करके टीम से ये लोग जानते थे। जैसे ही ऐसा विक्टिम मिल गया और वो फंस रहा ऐसा समझ में आए कि ये खींचने वाले करके उनकी दूसरी टीम जो एक्सपर्ट टीम है जिसमें लोगों को बातों में उलझा के उनसे पैसा लेने में निकालने में एक्सपर्ट है,